सिग्निफिकेंस ऑफ ज़ोलॉजी, वाट इज़ द इम्पॉर्टेंस जोलॉजी की हमारी लाइफ में अहमियत क्या है सो फर्स्ट द कॉन्टेंट्स सिग्निफिकेंस ऑफ जोलॉजी अंडरस्टैंडिंग लाइफ जोलॉजी के सिग्निफिकेंस में द फर्स्ट कॉन्टेंट इस अंडरस्टैंडिंग दैन इम्प्रूविंग आवर हेल्थ कंडीशन इम्प्रूविंग द फूड क्वालिटी एंड इम्प्रूविंग द इन्वायरमेंट वाट द सिग्निफिकेंस ऑफ जोलॉजी जोलॉजी की अहमियत क्या है जोलॉजी की अहमियत वही है जो इस अर्थ के ऊपर ह्यूमन की और बाकी एनिमल्स की है अगर हम ये कहें कि हमें इस अर्थ के ऊपर ह्यूमन या बाकी एनिमल्स नहीं चाहिए तो हम कह सकते हैं ठीक है हमें जोलॉजी भी नहीं चाहिए मीन्स जितनी इम्पॉर्टेंस जो इम्पोर्टेंस ह्यूमन की और अदर एनिमल्स की है द तो सेम इम्पॉर्टेंस इज़ फॉर जोलॉजी क्योंकि जो भी हम एनिमल्स के मतलब ह्यूमन के मतलब पढ़ेंगे वो सारे का सारा बेसिकल क्या है जोलॉजी है जो केयर करेंगे जो कुछ भी केयर करेंगे फूड के रेफरेंस से न्यूरिशमेंट के रेफरेंस से और उसकी हेल्थ के रेफरेंस से तो एनिमल्स के मतलब जो कुछ भी हम एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे दैट इज एक्चुअली द जोलॉजी सो जोआलॉजी हैज़ हेल्प्ड ह्यूमन अलॉट जोलॉजी का जो नॉलेज है इसने ह्यूमन की बहुत ज़्यादा हेल्प की है स्पेशली जोलॉजी हैज़ हेल्प टू अंडरस्टैंड द बेसिक करेक्ट्रिस्टिक्स ऑफ लाइफ कि लाइफ के जो बेसिक फ़ीचर है एनिमल लाइफ के वो क्या हैं ये बेसिकली नॉलेज ऑफ जोलॉजी विच इज गिविंग अस द आइडिया अबाउट द डिफरेंट टैक्स ऑफ द एनिमल्स आप एनिमल्स के बारे में जब पढ़ते हैं तो डेफिनेटली आपको जोलॉजी की बुक्स के अंदर ही मिलता है कि कोई भी एनिमल्स जो है वो किस तरह से सर्वाइव करता है क्या डाइवर्सिटी है एनिमल्स की कितनी टाइप्स हैं और उनसे क्या बेनिफिट्स हैं क्या यूजेस हैं ये सारी चीज़ें आपको जोलॉजी से अवेलेबल बुक्स में मिलती हैं सो सिमिलरली जोलॉजी इज हेल्पिंग अस टू एस्टिमेट द नंबर ऑफ आरगज प्रेजेंट ऑन दिस अर्थ नंबर ऑफ एनिमल्स स्पेशली कितने टाइप्स के एनिमल्स जो हैं इस अर्थ के ऊपर मौजूद हैं दिस इज एक्चुअली द नॉलेज ऑफ जोलॉजी विच इज गिविंग आज द इंफॉर्मेशन हाउ लाइफ इज सस्टेनिंग ऑन दिस अर्थ एनिमल लाइफ अर्थ के ऊपर किस तरह से सस्टेन कर रही है इसका आंसर भी हमें अल्टीमेटली जोआलॉजी से रेलिवेंट ही मिलेगा सो वेरी फर्स्ट इम्पॉर्टेंट्स ऑफ जोआलॉजी या सिग्निफिकेंस ऑफ जोआलॉजी है दैट इज़ विद रेफरेंस टू हेल्थ हेल्थ के रेफरेंस से कि जोलॉजी का जो नॉलेज है या नॉलेज ऑफ जोलॉजी इज हेल्पिंग अस टू गेट प्रिवेंशन फ्राम द डिजीजेज वी कैन प्रिवेंट आवर सेल्फ फ्राम द डिजीजेज इसकी बड़ी सिंपल सी एग्जाम्पल मैं अगर आपको दूँ जैसे एनिमल्स के बारे में हम पढ़ते हैं तो जब लास्ट फ्यू ईयर्स में स्पेशली टू थाउजेंड टेन इलेवन के दौरान डेंगू की जो है वो एक पूरी आउटब्रेक हुई थी अब उसमें जो है वो ह्यूज नंबर ऑफ पीपल जो अफेक्ट हुए थे तो जोलोजी का नॉलेज था जिसने बाद में इस चीज़ को क्लैरिफाई किया कि बेसिकली डेंगी जो है ये बेसिकली ड्यू टू मॉस्कीटोज़ है तो वेन मॉस्किटोज वर कंट्रोल्ड तो अल्टीमेटली आने वाले सालों में डेंगी जो था वो कंट्रोल कंडीशन में है सिमिलरली अब जो करंट पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ी आउटब्रेक है या एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है वो हैपाटाइटिस के फार्म में है तो हेपाटाइटिस का वायरस जो है वो ह्यूमन को इम्पेक्ट कर रहा है तो अगेन जब ह्यूमन इम्पेक्ट कर रहा है हो रहा है इसका मतलब यह है कि ये जो जिसको हम हेपेटाइटिस को जब भी स्टडी करेंगे ये जोलॉजी के रेलिवेंट ही एक सब फील्ड आ जाएगा जोलॉजी का जिसमें हेपेटाइटिस को हम जो है स्टडी करेंगे क्योरिंग द डिजीजेज तो एक तरफ तो जोलॉजी का नॉलेज हमें डिजीज से बचने के बताया कि आप हेपेटाइटिस से कैसे बचना है आपने डेंगू से कैसे बचना है आपने मलेरिया से कैसे बचना है सिमिलरली जो सेकेंड स्टेप के ऊपर जो डिजीज हो जाती हैं उनकी ट्रीटमेंट जो है वो जैसे किसी को अगर अल ना करें कैंसर हो गया है तो उसके लिए इंटरफेरॉन्स हैं इसे किसी डिजीज़ के लिए एंटीबॉडीज़ हैं डिफरेंट की ग्रोथ हारमोन्स हैं तो ये जितने भी हैं ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो बायोटेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट प्रोडक्ट्स जिनको हम कहते हैं इसमें भी किसी ना किसी स्टेप के ऊपर क्या है कि जोआलॉजी का नॉलेज इन्वॉल्व है जो बेसिकली क्या कर रहा है कि ट्रीटमेंट यानी कि केयरिंग ऑफ डिजीज में हेल्प आउट कर रहा है हेल्दी लाइफ स्टाइल इट द नॉलेज ऑफ जोलॉजी विच इज गिविंग आज द आइडिया अबाउट हेल्दी लाइफ स्टाइल क्या मैंने हेल्दी लाइफ स्टाइल कैसे गुजारना है अपने आप को कैसे हेल्दी रखना है आप बीमारियों से कैसे बचना है दिस इज ऑल द सर्विसेज ऑफ जोआलॉजी जोआलॉजी इज आल्सो सिग्निफिकेंट विद रेफरेंस टू फूड फूड के अंदर अगर हम देखें इट्स इस द नॉलेज ऑफ जोआलॉजी विच इज गिविंग अस गुड क्वालिटी फूड अगर आप देखें तो आप तो ऐसे एनिमल्स जो है वो आगे नेक्स्ट आएंगे जिनके अंदर बाकायदा जो इसेंशियल है उनकी अमाउंट ज़्यादा होगी यानी विद द रेफरेंस ऑफ टाइम जैसे जैसे टेक्नोलॉजी तरक्की कर रही है तो एनिमल्स के अंदर भी जो मीट क्वालिटी है बेटर मीट क्वालिटी का नफर जो हम यूज़ करते हैं बेटर मीट क्वालिटी का मतलब ये है कि जनाब उसके अंदर जो कोलेस्ट्रोल या जो ऐसी चीज़ें स्पेशली जो लेस सिग्निफिकेंट हैं वो कम होंगी और जो ज़्यादा सिग्निफिकेंट चीज़ें हमारी बॉडी के लिए वो ज़्यादा होंगी इट्स अ मोर क्वालिटी ऑफ़ फूड इट्स अ नॉलेज ऑफ जोलोजी जोलॉजी के नॉलेज की वजह से हम एनिमल ब्रीडिंग की तरफ जा रहे हैं ज़्यादा अच्छी वाइटीज़ आ रही हैं जो ज्यादा मिल्क जब मिल्क प्रोड्यूस कर रही हैं ज़्यादा मीट प्रोड्यूस कर रही हैं पोल्ट्री इंडस्ट्री फ्लॉरिश कर रही है हमारे मुल्क की तो दूसरी बड़ी इंडस्ट्री है पोल्ट्री जो है वो तो पोल्ट्री के जो फ्लॉरिश करने में नॉलेज ऑफ जोलॉजी इज इम्पॉर्टेंट वन किस तरह से जो है वो पोल्ट्री इंडस्ट्री से ज़्यादा चिक आप हासिल करेंगे ज़्यादा मीट हासिल कैसे करना है एग्ज कैसे ज़्यादा हासिल करने हैं सिमिलरली ट्रांसजेंडिक एनिमल्स मोर एडवास्ड फॉर्म के ट्रांसजेंडिक एनिमल्स के थ्रू हम डिफरेंट जो प्रोटीन्स हासिल करते हैं जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स हो सकते हैं या कोई और चीज़ें इस तरह की प्रोटीन्स होती हैं जो आगे डिफरेंट जो है सिवियर के डिजीज की ट्रीटमेंट में यूज होती हैं सिग्निफिकेंस ऑफ जोलॉजी विद रेफरेंस टू इन्वायरमेंट इन्वायरमेंटल हेल्थ इन्वायरमेंट का किसका नाम है इन्वायरमेंट का मतलब यह है कि जो कुछ हमारे आगे पीछे मौजूद है अगर हम इसको इतकतीब से देखें तो सबसे पहले जोलॉजी की सिग्निफिकेंस है विद रेफरेंस टू बायोडाइवर्सिटी है बायोडाइवर्सिटी जितनी सस्टेन करेगी इन्वायरमेंट उतना ही हेल्दी होगा तो हाउ वी कैन सस्टेन द बायोडाइवर्सिटी हाउ कैन वी कैन इनरिच आवर अर्थ विद डिफरेंट नंबर ऑफ स्पीशीज डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स दिस इज द नॉलेज विच विल गिवन बाय द जोअलॉजी तो जोलॉजी का नॉलेज हमें जो बताया गया कि किस तरह से हमने अपने बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन रखना है नेशनल पार्कस बनाकर मेंटेन रखना है सफारी पार्कस बनाकर मेंटेन रखना है या फिर किसी और वजह से लोगों को एडुएट करके बायोडाइवर्सिटी को बता बचाना है क्लीनिंग द इन्वायरमेंट इन्वायरमेंट को कैसे क्लीन करना बहुत सारे इनिवर्टिवेट्स हैं बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो सॉयल के अंदर पोल्यूटेंट्स को मसल से डिग्रेड करते हैं इट इज इट मीनस जोलॉजी वर्किंग जोलॉजी जो अपना काम कर रही है वो इन्वायमेंटल जो मालिकुल्स हैं जो पोल्यूटेंट्स उनको डिग्रेड कर रही है थर्ड स्टेप के ऊपर है कि इन्वायरमेंट के अंदर जो टॉक्सिक वेस्ट हैं या पोल्यूटेंट्स हैं उनको आने से भी जोलॉजी का नॉलेज रोक सकता है कैसे कि अगर हम बायोलॉजिकल कंट्रोल की तरफ चले जाते हैं तो फिर हमें केमिकल कंट्रोल की ज़रूरत नहीं रहेगी तो केमिकल कंट्रोल बेसिकली इन्वायरमेंटल पोल्यूटेंट्स का नाम है इन्वायरमेंटल पोल्यूटेंट्स जो है वो इन्वायरमेंट में शामिल हो रहे हैं जबकि बायोलॉजिकल कंट्रोल में बेसिकली जो केमिकल्स uh, हैं जो पोल्यूटेंट्स हैं वो इन्वायरमेंट में आने से रुक जाएंगे और सबसे इन्वायरमेंट नीट एंड क्लीन होगा